मध्य प्रदेश में कमलनाथ की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जोरों पर हैं और इन अटकलों के बीच कमलनाथ खेमे के विधायकों की प्रतिक्रिया भी अब सामने आ रही है। विधायकों ने यह अपील की है कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर ना जाएं, कांग्रेस में ही रहते हुए लोकसभा की तैयारी करें। वहीं छिंदवाड़ा से परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि ने यह बयान दिया है। उनका कहना है कि कमलनाथ इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हैं। एक बड़ा बयान ये है जिसमें उन्होंने कमलनाथ को इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा बताया है। छिंदवाड़ा ने कांग्रेस नेता होने के नाते कमलनाथ को बहुत कुछ दिया। छिंदवाड़ा की जनता और लाखों कार्यकर्ता कमलनाथ के साथ हैं। आप कांग्रेस का नेतृत्व संभाले, नकुलनाथ को हम सभी छिंदवाड़ा लोकसभा जिता कर लाएंगे। ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है और इसी तरह की कई प्रतिक्रियाएं, लेकिन ये सुनिए। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आपको तीसरे बेटे के रूप में छिंदवाड़ा में प्रस्तुत किया था और वही आस्था आज भी आपके प्रति छिंदवाड़ा जिले की जनता की साथ में है, आपके साथ में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय कमलनाथ जी के, जिस मजबूती से आपने कांग्रेस में काम किया है पूरी जिंदगी भर, आगे भी आप कांग्रेस का नेतृत्व संभालें, काम करें और हम लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए मजबूती से काम करेंगे और माननीय नकुलनाथ जी को जिता के लाएंगे। और पूरे देश के अंदर में आपके लाखों समर्थक आपके साथ में है और छिंदवाड़ा जिले की जनता आपके साथ में है। और कमलनाथ समर्थकों की दिल्ली में बैठक हो रही है। आपको बता दें कि बैठक में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह भी मौजूद है। बैठक से पहले पूर्व मंत्री सज्जन सिंह का एक बयान भी सामने आया है। कमलनाथ खुद पूरे मामले पर बात करेंगे, ये उनका कहना। थोड़ी ही देर में कमलनाथ कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो अपनी बातों को रखने वाले हैं। तो लगातार जो अटकलें लगाई जा रही हैं उस पर माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। इस वक्त कमलनाथ समर्थकों की दिल्ली में बैठक शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इसमें सज्जन वर्मा मौजूद है। थोड़ी ही देर में कमलनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी करने वाले हैं जिसके माध्यम से वो अपनी बातों को रखने वाले हैं और माना जा रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद अहम, क्योंकि इसके माध्यम से कमलनाथ के मन में क्या है वो सामने आ जाएगा। समर्थकों की बैठक होती है, हजारों लोग हैं दिखते हैं। ये कुछ विषयों पे जो कल चर्चा रह गई थी उस पे अभी चर्चा है और मैं समझता हूँ कि आधे पौन घंटे में चर्चा हो जाएगी और उसके बाद कमलनाथ जी खुद ही आपसे चर्चा करेंगे।